लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान में अब कुछ ही समय बचा है। चुनाव आयोग आज दोपहर 3 बजे के आसपास तारीखों का ऐलान कर देगा। इससे पहले पीएम मोदी ने देशवासियों के नाम पत्र लिखा है। पीएम ने इस पत्र में अपने विकसित भारत के एजेंडे की बात की। प्रधानमंत्री ने लोकसभा चुनाव की घोषणा के कुछ ही घंटे पहले देशवासियों के नाम पत्र लिखा है, जो उनके विकसित भारत के एजेंडे की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने इस पत्र में देश के कई मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया और जनता को अपने सहयोग के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने लोगों से अपने विचारों और योजनाओं के साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया। आइए जानते हैं पीएम मोदी ने अपने पत्र में किन किन बातों का जिक्र किया है। आपका और हमारा साथ अब एक दशक पूरा करने जा रहा है। मेरे 140 करोड़ परिवारजनों के साथ विश्वास, सहयोग और समर्थन से जुड़ा ये मजबूत रिश्ता मेरे लिए कितना विशेष है, इसे शब्दों में व्यक्त कर पाना मुश्किल है। मेरे परिवारजनों के जीवन में आया सकारात्मक बदलाव ही बीते 10 वर्षों में हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ी पूंजी है। अपनी हर नीति, हर निर्णय के जरिए गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए कृतसंकल्पित सरकार ने जो ईमानदार प्रयास किए हैं, उनके सार्थक परिणाम हमारे सामने हैं। प्रधानमंत्री ने पत्र में अपनी सरकार के काम भी गिनाए। पीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने माताओं बहनों को सहायता देने के कई प्रयास किए, जो केवल आम लोगों के भरोसे और विश्वास के कारण हुए हैं। उन्होंने इसी के साथ अपने कई काम बताए, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए पक्के मकान, मातृ वंदना योजना के जरिए महिलाओं को सहायता, सभी के लिए बिजली, पानी, गैस की समुचित व्यवस्था, आयुष्मान भारत योजना के जरिए इलाज की व्यवस्था और किसानों को आर्थिक मदद। वहीं उन्होंने पत्र के जरिए लोगों से आशीर्वाद और सुझाव भी मांगा। प्रधानमंत्री ने ये बात कहते हुए देशवासियों को आमंत्रित किया है कि उनके विचार, सुझाव और सहयोग के विकसित भारत के संकल्प को पूर्ण करने में आवश्यकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राष्ट्र निर्माण के माध्यम से देश को आगे बढ़ाने के लिए उनके प्रयास अपूर्ण रहेंगे, जब तक कि लोगों का साथ और सहयोग न बना रहे। उन्होंने विश्वास जताया कि जनता का आशीर्वाद और समर्थन हमें सदैव मिलता रहेगा और यही उनकी गारंटी है। राष्ट्र निर्माण के प्रयास हमेशा जारी रहेंगे, बिना किसी थकान या रुकावट के। उनका संदेश ये किसी समृद्धि और समृद्धि के मार्ग पर हमें समृद्ध भारत की दिशा में सहयोग करना होगा और इसके लिए हमें सभी को साथ मिलकर काम करना होगा। आखिर में प्रधानमंत्री ने आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ आपका नरेंद्र मोदी के शब्दों के साथ पत्र को अंतिम रूप दिया। अब देखना ये बड़ा ही दिलचस्प होगा कि आने वाले चुनाव में इसका लोगों पर कितना असर देखने को मिलेगा।